लोकसभा चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की तारीखों की कल घोषणा होगी। चुनाव आयोग कल यानी शनिवार 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7 या 8 फेज में हो सकते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है और बीजेपी को अकेले ही 370 सीटें जीतने की गारंटी दी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश का वोटर मोदी के दावे को पूरा करने की गारंटी दे रहा है? इसी का अंदाजा लगाने के लिए जी न्यूज मैट्राइज ने ओपिनियन पोल किया है। ये ओपिनियन पोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे और पूरे देश में CAA लागू होने के ठीक बाद किया गया है। ओपिनियन पोल 29 फरवरी से 15 मार्च के बीच किया गया। इस ओपिनियन पोल में लोकसभा की 543 सीटों को कवर किया गया है। सर्वे में 1,67,843 लोगों की राय ली गई, जिसमें 87,000 पुरुष और 54,000 महिलाएं शामिल हैं। ओपिनियन पोल में 27,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स की राय भी शामिल की गई है। इस ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर ±2% है। जी न्यूज मेट्राइस के इस ओपिनियन पोल में हमने ये जानने और समझने की कोशिश की है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो नतीजे क्या हो सकते हैं, अगर आज चुनाव हुए तो किस गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे और किस पार्टी को कितनी सीटों का नफा नुकसान होगा। जी न्यूज मेट्राइस के ओपिनियन पोल के मुताबिक एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक NDA को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है। ओपिनियन पोल के मुताबिक NDA को 390, INDIA गठबंधन को 96 सीटें और अन्य के खाते में 57 सीटें जा सकती है। जी न्यूज मेट्राइस के ओपिनियन पोल में हमने जनता से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का कारण क्या है। 41% लोगों ने कहा कल्याणकारी योजनाओं की वजह से PM मोदी लोकप्रिय है। 18% लोगों को राम मंदिर का निर्माण उनकी लोकप्रियता की वजह लगता है। 12% लोगों के मुताबिक राष्ट्रवाद का मुद्दा PM मोदी की लोकप्रियता का कारण है। 22% लोग मानते हैं कि बेदाग छवि देने की वजह से मोदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। वहीं 7% लोगों ने कहा कुछ अन्य वजह प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कारण है, यानी कल्याणकारी योजनाओं की वजह से PM मोदी देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। जी न्यूज एंड मेट्राइज के सर्वे में हमने जनता से पूछा कि 10 साल के शासन में PM मोदी का कामकाज कैसा रहा, तो 46% लोगों ने माना कि PM मोदी ने बेहतर काम किया है। 28% लोगों ने माना कि PM मोदी ने कुछ बेहतर काम किया है, जबकि 22% लोगों ने कहा कि खराब काम किया है और 4% लोगों ने कहा उन्हें पता नहीं। इस सर्वे में हमने जनता से पूछा कि अगर आज चुनाव हुए तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। इस पर 56% लोग मानते हैं कि PM उम्मीदवार उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 17% लोग केंद्र की योजनाओं को चुनाव का बड़ा मुद्दा मानते हैं। 4% जनता के लिए महंगाई एक बड़ा फैक्टर है। 8% लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते हैं। 7% लोग अपने सांसद के काम और 8% लोग अन्य कारणों को चुनाव का बड़ा मुद्दा मानते हैं। जी न्यूज मेट्राइस का यह सर्वे देश में CAA लागू होने के तुरंत बाद किया गया है, इसीलिए हमने जानने की कोशिश की कि CAA को मुद्दा बनाने से किसे फायदा होगा। 46% लोगों ने माना कि बीजेपी को इससे फायदा होगा। 21% लोगों ने माना कि विपक्षी दल को इससे फायदा जरूर होगा। 25% लोगों ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा। जब से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तभी से बीजेपी का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है और विपक्ष का कॉन्फिडेंस डाउन है। सबको लग रहा है कि राम मंदिर बनाकर बीजेपी ने वो ब्रह्मास्त्र चलाया है जो उसे लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलवाएगा। इसीलिए बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बनाकर चुनावों में इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? जी न्यूज मेट्राइज ओपिनियन पोल में जब लोगों से पूछा गया कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को मुद्दा बनाने से बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा होगा, तो 56% लोगों ने माना है कि बहुत अधिक फायदा होगा। 26% लोग मानते हैं कि कुछ हद तक फायदा होगा और 9% लोगों को लगता है कि बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। 5% लोगों को लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है, जबकि 4% लोगों को इस बारे में नहीं पता है। यानी
लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा राम मंदिर की वजह से होने वाला है। ये तो राष्ट्रीय मुद्दे थे जिन पर लोगों ने अपनी राय दी, लेकिन राज्यों में किस पार्टी को कितना नफा नुकसान हो रहा है, हमने इस ओपिनियन पोल में यह भी जानने की कोशिशें की। जी न्यूज और मेट्राइस के सर्वे में आगामी लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में मोदी लहर साफ साफ नजर आ रही है। एनडीए को यूपी में 78 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीटों पर सिमटता दिख रहा है। यानी मोदी योगी के डबल धमाल के सामने यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी बुरी तरह फ्लॉप नजर आ रही है। अब आज का प्रेरक विचार, सब्र कोई कमजोरी नहीं है, सब्र तो वो ताकत है जो सब में नहीं होती।